अस्सलामुअलैकुम। हाय मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं आप लोगों की दुआओं से। और जैसे कि आप सबको पता है कि हम मक्का आए हुए थे, ये देखिए ये पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो अल्लाह इस काम के लिए इनको जज़ाए खैर दे। और बस जैसे कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम अज्जाद होटल में रुके थे, मतलब अज्जाद स्ट्रीट साइड पर। यहाँ पे ये आप देखिए हिस्सा पूरा ये उमरा करने वालों का है, ये मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ नीचे का। तो देखिए हर कोई आपको यहाँ पे इस एरिया में जो है एहराम में नज़र आ रहा होगा, ये जेंट्स का है। तो देखिए अल्लाह ताला बस हर मुसलमान के लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान को अपने घर की ज़ियारत नसीब करे, आमीन। सुभान अल्लाह, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने घर के खाने काबा के तवाफ़ की सआदत नसीब करें। और बहुत से लोग जो हैं वीडियो कॉल पे अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वाले को खाने काबा दिखा रहे थे। शहरे मक्का में आता रहूं मैं, तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना अल्फाज नहीं मेरे पास कुछ भी कहने के लिए, बस आप कितनी भी परेशान हों, दुनिया की कितनी भी बड़ी तकलीफ़ें हैं, जब आप इस जगह पे आते हैं, जब आप खाने काबा का दीदार करते हैं, तवाफ़ करते हैं, यकीन माने आप अपनी हर परेशानी हर तकलीफ़ भूल जाते हैं। और बहुत से मेरे बहनों ने भाइयों ने मुझे दुआ के लिए कहा था, तो मैंने उनका नाम लेकर, जिन्होंने स्पेशली मुझे कहा था, तो मैंने उनके नाम लेकर उनके लिए दुआएं की हैं, रिश्तेदारों के लिए की हैं, जिन्होंने कहा था जिन्होंने नहीं कहा था, बस अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करें, आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तवाब भी हो गया है, क्योंकि हम फ्राइडे के दिन आए थे और जुम्मा के दिन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रश होता है, और आप ऊपर से भी देख सकते हैं नीचे कितना ज़्यादा रश है। और जब क्राउड ज़्यादा हो जाता है तो वो बहुत से गेट बंद कर देते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे भी जो है आपको जाने के लिए नहीं मिलता, तो हमने सेकंड फ्लोर पे किया। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया है। और ये देखिए जमजम का पानी, तो अब हम सही के लिए आए हैं, तो अब सही करते हैं। तो ये देखिए
जो ग्रीन लाइट आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे जो जेंट्स होते हैं इनको थोड़ा सा मतलब दौड़ना पड़ता है यहाँ पे। यहाँ देखिए हस्बैंड जो हैं इनाया को लेके सही कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला बस हमारे उम्रे को कबूल करें, हमने जो भी दुआएं मांगी हैं हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल करें, हमारे गुनाहों की मगफिरत करें, बस अल्लाह ताला अपने घर का दीदार बार बार नसीब करवाए हम तमाम उम्मत मुसलमान को, ये दिल से दुआ है। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, तो बस हम जो होटल से हैं बस से आए हुए हैं, और ये मैं आपको पूरा अज्जियाद स्ट्रीट का जो बस स्टॉप है जहाँ तमाम होटलों की बस आती हैं तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो काफ़ी ये बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे हर होटल की बस आती है, तो बहुत आसानी हो गई थी क्योंकि कोविड के टाइम तो बिल्कुल भी जो शटल बसेस हैं इन्होंने बंद किया हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है पहले जैसा। तो बस आप ये ग्राउंड देखें। अगर आप जानना चाहते हैं कि अज्जियाद स्ट्रीट पे नियर बाय होटल कौन से हैं मस्जिद हरम के, तो मैंने वो वीडियो डाली अपने चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। एक कबूतर है देखिए हरम के पास, बिल्कुल हम पहुंच चुके हैं। दोपहर का वक्त है लेकिन मौसम ऐसा बना है, ऐसा लग रहा है कि शाम हो चुकी है। जहर की नमाज़ के लिए हम जा रहे हैं और अज्जियाद गेट से हमें अंदर जाना है, और अगर रश बहुत ज़्यादा हो गया तो ये गेट भी बंद करते हैं। तो चले चलते हैं। रश देखिए बहुत ज़्यादा रश है अभी भी। जोहर की अज़ान हो चुकी है जो मैंने आप लोगों को सुनाई है, अब हम भी नमाज़ पढ़ेंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें अपने घर की सआदत नसीब की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज़ पढ़ ली है, और नमाज़ अदा करने के बाद
अब हम यहाँ आ गए, मैंने सोचा चलो कुछ थोड़ी देर बैठ के तिलावत वगैरह कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ लोग नफिल अदा कर रहे हैं, कुछ लोग तिलावत कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, मुझसे कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट किया, कुछ लोगों ने इंस्टा पे मैसेज किया कि क्या बच्चों को अलाव है या उनके लिए कुछ इस तरीके से परमिट वगैरह लेना पड़ती है। तो मैं बता दूँ कि अब बिल्कुल सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बच्चों को ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके या इंस्टा पे मुझे DM करके मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं वहाँ आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और ये देखिए हम फिर से आ गए हैं, क्योंकि अल्लाह का दीदार जब आप इस जगह पे आओ तो दिल करता है बार बार देखो। तो बस आप भी मेरे साथ फिर से देखें, खाने काबा का दीदार करें, सुभान अल्लाह। ये बैरियर लगे होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा हम पास में नहीं जा सकते, इसलिए मैं आपको थोड़े से डिस्टेंस से ही ऊपर से दिखा रही हूँ। और आप ये देख रहे हैं सब लोग अपना तवाफ भी कर रहे हैं साथ ही साथ, क्योंकि जब नीचे ज़्यादा रश होता जैसे मैंने बताया तो आप ऊपर ही जो है तवाफ वगैरह करना पड़ता है। और ये देखिए लोग जो है नफिल वगैरह पढ़ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा। और जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विज़िट कर रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मक्का मदीना के आने वाली इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिले। और यहाँ इनाया को देखिए, उससे भी चेयर पे बैठना था। अब ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।